सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्रिंस डॉग क्लब। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी डॉग प्रेग्नेंट है, अगर आपकी फीमेल डॉग प्रेग्नेंट है, तो उसको क्या डाइट प्लान दो जिससे उसकी भी बॉडी अच्छे तरीके से गेन करे और अंदर में जो उसका पप कोख में पल रहा है वो भी अच्छी तरीके से सही सलामत रहे। तो उसको क्या फीडिंग दे, उसका क्या रखरखाव होगा प्रेग्नेंट डॉग का, इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले डेली वाली बात, एक ही बात, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऐसी ही डॉग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए, और वीडियो पसंद पड़े तो लाइक करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, होता क्या है कि अगर आप अपने डॉग्स को मेटिंग करवा दिए, जैसे मेटिंग करवा दिए, उसके कम से कम आप 10 दिन के अंदर, मतलब जैसे मेटिंग करवा दिए, उसके बाद आप 4-5 दिन नॉनवेज दे सकते हो, गर्म चीज़ दे सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको एग्जैक्ट नहीं करता है, मतलब नहीं करता है कि उसको ज़्यादा गर्म खाना देने का। गर्म खाना ज़्यादा देने से उसके पेट में असर पड़ता है, उसके जो अंदर में 15 डेज का अगर मेटिंग करवाया वो आपका 2 वीक्स हो गया, मतलब 2 वीक्स प्लस 15 डेज प्लस, तो एक अंडा जैसे हम लोग खाते हैं ना, वैसा उसके पेट में बनने लगता है, एक जो फर्टिलाइज होने लगता है पपी अंदर में, पपी को लेकिन नुकसान पहुंच सकता है। ऐसा नहीं कहूँगा अगर आपका डॉग, अगर आप नॉन वेजिटेरियन बनाए हुए हैं, आपका डॉग वेजिटेरियन दे रहे हो उस टाइम, फीमेल अगर आपकी डॉग प्रेग्नेंट है तब नहीं खा रही है, तो आप क्या करोगे कि जैसे कुछ दिन के गैपिंग में एक एग दे दिए, वो भी कम मात्रे में, अंडा कम मात्रे में, और आपको तो होगा क्या, आपका डॉग खा भी लेगा और आपका डॉग सही से रहेगा भी। देखोगे 10 से 15 दिन बाद आपका डॉग ज़्यादा खाने लगेगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा खाएगा, ठीक ना। उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को न्यूट्रिएंट्स भरा, प्रोटीन्स, ऐसा ये सब खाना देना है जो कि उसके बॉडी में बहुत ही अच्छे से प्रोटीन को, जो उसकी ज़रूरत हो उसको पूरा कर सके, उसके अंदर जो पप्पी पेट में कोख में पल रहा है उसकी न्यूट्रिएंट्स जो भी है पूरा कर सके। तो उसके लिए आपको देना है, सबसे पहले आप स्टार्टर उसको चलाना, अगर आपके पास बजट है तो आप स्टार्टर चलाओ उसको। अगर आप कोई भी स्टार्टर, रॉयल कैनिन की स्टार्टर दे रहे हो तो एकदम मस्ट है, आप 2 महीने तक लगातार स्टार्टर ही चलाओ, एकदम स्टार्टर, और फिर बीच बीच में दही मिला के देना, उसमें दही एकदम ठंडा होता है, दही आपके डॉग्स को एकदम हार्म नहीं करेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा दही देना। फिर आप अपने डॉग्स की, फिर क्योंकि होता क्या है कि पपी देने के बाद बीच बहुत ही ज़्यादा पतली हो जाती है, मतलब फीमेल जो होती है हमारी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, तो ऐसा हम लोग को करना ही नहीं है, मतलब अच्छी तरीके से अपने डॉग्स को बना के रखना है जो हमारे डॉग्स कमज़ोर ही ना हो आगे चल के। तो उसको बीच बीच में आपको लगभग बीच बीच में क्या, 2-2 दिन पे आप उसको पनीर देते चले जाओ। अगर आप डेली दे सकते हो तो डेली पनीर दे दो, पनीर दो उसमें स्टार्टर में, पनीर दही ये सब मिला के दो, आपका डॉग एकदम मस्त सही है। फीमेल का जो मैं आपको डाइट प्लान बताया हूँ, अगर आपकी डॉग प्रेग्नेंट है तो आप उसको खाने में स्टार्टर या फिर उसको दही या फिर पनीर, ये तीनों मिक्स करके दो और फिर छेना दो, लेकिन गर्म खाना कुछ मत देना, जैसे कि चिकन हो गया, हार्ड चीज़ हो गया, ये सब चीज़ नहीं देना उसको। कभी कभी बाय मिस्टेक अगर आप दे दिए तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप डेली जैसे बॉयल चिकन दे रहे हो, इसमें आपके डॉग्स की हार्म करेगा। हार्म करेगा क्या, उसको पेट में जो कोख में पपी पल रहा है उसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान करेगा, क्योंकि 15 डेज तक उसके पेट में कुछ पपी फर्टिलाइज हो जाते हैं, जो कि एक टाइप से बन जाते हैं अंदर में, 15 दिन के बाद एक टाइप से बन जाते हैं। तो वो उसमें क्या होता है कि आपको फीमेल डॉग को ठंडी खाने देने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और अपने डॉग को ठंडा खाना दोगे तो सही भी रहेगा, प्रेग्नेंट है बीमार भी नहीं पड़ेगी। और ऐसा लेज़ी मत बनाना, जैसे कि लेज़ी होता है ना, हमेशा बैठा कर रखना, थोड़ा घुमाया फिराया करना, ये भी नहीं, मतलब कि 2 महीना होने चला उसके बाद दौड़ा रहे हैं उसको, ऐसा नहीं करना है आपको। उससे में क्या होता है, पपी फंसने का चांस रहता है, आपकी फीमेल का जान जाने का भी डर रहता है, मतलब घुमाया फिराया करो, लेज़ी मत बनाओ। फिर 10-15 दिन 20 दिन तक तो आप कभी कभी नहा सकते हो, लेकिन उसके बाद आप नहाना मत उसको। नहाने से क्या होता है, उसके पेट में जो रफ होता है उससे बच्चा इधर इधर हो जाता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगा आप ही लोग को। सो आई होप गाइस कि आपको ये पूरी वीडियो में समझ आ गई होगी कि प्रेग्नेंट डॉग की केयर कैसी की जाती है। प्रेग्नेंट डॉग की केयर तो मैंने, आई होप कि अब मैंने अपने हिसाब से पूरी अच्छी तरीके से आप लोग को समझा दिया होगा, आप लोग समझ भी गए होंगे। और वीडियो पसंद पड़े तो प्लीज़ एक लाइक करना, और ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हो डॉग सेलिंग के लेके, डॉग इन्फॉर्मेशन के लेके, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बगल में वाला बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए,
कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो, भैया सर मुझे कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट भेज दीजिए कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर हर एक वीडियो में रहता है, आप खोल के देख सकते हो, आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं दोस्तों। अभी के लिए चलते हैं दोस्तों, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।